हेलो स्टूडेंट, SBN कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा पिछला टॉपिक चल रहा था हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता का, जो हमारी सेकेंड ईयर की किताब है उसका, तो उसमें हमारा चल रहे थे हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य। तो हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य तीन प्रकार के बताए थे, ज्ञानात्मक यानी ज्ञान प्रकाशन, ज्ञान ग्रहण और सृजनात्मकता। अब देखते हैं मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य। तो मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य को कई विद्वानों ने अलग अलग भावों में बांटा है। तो जैसे पहला बांटा था उसमें ज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक और तीसरा क्रियात्मक। अब आगे देखते हैं हम हिंदी भाषा शिक्षण का, आज रॉबर्ट मेगर के अनुसार कई विद्वानों ने इसका अलग अलग भागों में इसको विभाजित किया है। तो पहला है इसका रॉबर्ट मेगर ने इसे, बी एस ब्लूम ने भी वही तीन भाग बताए थे, ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक और क्रियात्मक। तो इसी प्रकार अनेक विद्वानों ने भी इसको अनेक विस्तार से वर्णन किया है। तो हम सबसे पहले देखते हैं रॉबर्ट मेगर के अनुसार। रॉबर्ट मेगर ने हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्यों को तीन भागों में विभाजित किया है। अब तीन भागों में वो ही आ जाएंगे, ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक और क्रियात्मक। तो इसके अंदर अब आगे देखते हैं कि ज्ञानात्मक में आ जाएगा जो हमें ज्ञान प्राप्त, हमारे अंदर जो भाव उद्वेलित होते हैं वो ज्ञानात्मक हो गया। दूसरा है भावात्मक, कि हमारे अंदर जो भाव, हमारे हृदय में जो भाव परिवर्तन हो रहे हैं, जो भाव उठ रहे हैं, तो एक दूसरे के साथ हम क्या करेंगे, मौखिक और लिखित रूप में अपने विचारों को क्या करेंगे, अभिव्यक्त। फिर तीसरा होगा सृजनात्मक, सृजनात्मक में क्या हो जाए, जो मौखिक और लिखित रूप में विचार विनिमय कर रहे हैं उनका क्या करेंगे, हमारे अंदर एक नए रसा स्वाद यानी एक नया साहित्य का स्रोत उत्पन्न होगा, तो वो हो जाएगा हमारा सृजनात्मक उद्देश्य। अब रॉबर्ट मेगर ने जिस प्रकार ब्लूम ने तीन बताए थे, उसी प्रकार रॉबर्ट मेगर ने भी तीन भाव बताए हैं। तो मेगर ने क्या कहा है कि छात्रों में वांछित परिवर्तन करने का अभिप्राय इस प्रकार है। छात्रों में क्या है, शैक्षिक उद्देश्य से क्या हो रहा है, छात्रों में वांछित परिवर्तन, वांछित परिवर्तन। अब अगर बच्चे जो मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति अपने किसी के साथ, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के साथ जो विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो छात्रों में क्या होगा, वांछित में यानी अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, उनमें क्या होगा, एक नए कौशल का विकास होगा। तो नए कौशल का विकास होगा तो बच्चों के अंदर कौन सी भावना आएगी, कि बच्चों में एक नए कौशल का विकास होगा। कौशल कैसा हो रहा है कि वो कोई चीज़ को सुन रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और लास्ट में किसका सहारा ले रहे हैं, लिखित का। तो चार कौशलों के सहारे क्या हो रहा है, चार कौशल हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इनके द्वारा बच्चे में क्या हो रहा है, एक नए कौशल का विकास हो रहा है। तो छात्रों में मेगर ने क्या कहा है कि छात्रों में वांछित परिवर्तन हो रहा है, उसमें क्या कथन कर रहे हैं, वो किस प्रकार कथन कर रहे हैं तो वांछित परिवर्तन में क्या हो गया, जो हम कथन करते हैं, उद्देश्य क्या है इसमें, जो हम कथन कर रहे हैं ये क्या हो गया, शिक्षण उद्देश्य, हमारा हिंदी भाषा का शिक्षण उद्देश्य, ये हो गया हमारा शिक्षण उद्देश्य। तो जो हम कथन करें तो छात्रों में क्या आएगा, वांछित परिवर्तन, उनमें क्या होगा, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, उनमें एक नए कौशल का विकास हो जाएगा। कथन से स्पष्ट उल्लेख रहता है कि छात्र में अधिगम अनुभव की प्राप्ति के पश्चात कौन सा व्यवहारिक परिवर्तन होगा। अब इसमें है कि कथन करें तो कथन के बाद में क्या होगा, जो कथन करें, कथन के बाद में छात्रों में अधिगम अनुभव की प्राप्ति के लिए, अधिगम अनुभव की प्राप्ति के लिए कौन सा व्यवहारगत परिवर्तन होगा, कौन सा व्यवहारगत परिवर्तन होगा।
अब कौन सा होगा कि उसमें सर्जनात्मक या क्रियात्मक, यानी वो करके सीख रहा है, देख के सीख रहा है, तो उसमें कौन सा कौशल, एक नया कौशल विकसित हो रहा है। कि मेगर ने क्या कहा है, मेगर के अनुसार क्या है, मेगर ने बताया कि शिक्षण उद्देश्य से क्या होता है, छात्रों में वांछित परिवर्तन। अब छात्रों में वांछित परिवर्तन किन कौशलों के द्वारा है, सुनकर, बोलकर, पढ़कर और लिखकर। तो इसके आगे क्या होगा कि जो चार कौशल इनके द्वारा क्या करें, हम कथन कर रहे हैं, तो कथन कर रहे हैं वो क्या हो गया, हमारा मौखिक अभिव्यक्ति क्या हो गई, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य। मेगर के अनुसार शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या हो गया, हमारा कथन, यानी हमारी मौखिक अभिव्यक्ति। तो मौखिक अभिव्यक्ति के बाद छात्रों में क्या होगा, छात्र क्या कर रहा है, किसी के द्वारा सुनकर क्या कर रहा है, कुछ सीख रहा है, कुछ उसे अनुभव हो रहा है, वो खुद भी उस कोशिश कर रहा है सीखने की। तो अधिगम अनुभवों की प्राप्ति करके क्या हो रहा है, व्यवहारगत परिवर्तन, कि छात्र में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हो रहे हैं। वस्तुतः अंत व्यवहार का विवरण ही क्या है, अंतिम जो हमारा अंतिम व्यवहार है, जो हम सीख के अनुभव प्राप्त करके जो अंतिम व्यवहार प्राप्त कर रहे हैं, अंतिम व्यवहार क्या है, हमारा शिक्षण उद्देश्य हिंदी भाषा का, कि जो सीखकर हमें जो अनुभवों की प्राप्ति हो रही है, तो लास्ट में जो हमारा व्यवहार, जो हम स्वयं करके सीख रहे हैं, क्रियात्मकता आ रही है हमारे अंदर, एक सृजनात्मकता, एक नए कौशल का विकास हो रहा है, तो वो क्या हो गया, हमारा शिक्षण उद्देश्य, यानी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य हो गया, जो हमारा व्यवहारिक उद्देश्य हो गया। अब उद्देश्य की व्यवहारिक शब्दावली में लिखने के लिए क्रियापदों की, अब उद्देश्यों जो हमारे व्यवहारिक उद्देश्य है शिक्षण, और व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, इसके अंदर हमें शब्दावली लिखने के लिए क्रियापदों की, जो हमारे क्रियापद, यानी एक वाक्य को पूरा करना पड़ता है, एक शब्द हो गया, शब्दों में हम क्रिया अनेक धातु लगा क्या करते हैं, एक वाक्य का निर्माण करते हैं। तो व्यवहारिक में क्या हो गया, एक क्रियापद व्यवहारिक शब्दों के द्वारा क्रियापदों का निर्माण करते हैं, क्रियापदों का निर्माण करते हैं। अब आगे देखते हैं हम कि इसके लिए हमें क्या करनी पड़ती है, क्रियापदों की सहायता लेनी पड़ती है, जिनको व्यवहारिक उद्देश्य में उन क्रियाओं व व्यवहारों का उल्लेख करना पड़ता है, जिनका क्या किया जा सकता है, निरीक्षण और मापन। जो क्रियापदों की सहायता किए जाते हैं उसमें लास्ट में मूल्यांकन करने के लिए उनका क्या किया जाएगा, निरीक्षण और मापन, निरीक्षण व मापन। ये हो गया हमारा मेगर के अनुसार हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य। तो शिक्षण भाषा में क्या हो रहा है, मेगर ने क्या क्या बताया कि छात्रों में वांछित परिवर्तन हो रहे हैं, तो वांछित परिवर्तन जो हम कथन करें उनके द्वारा हो रहे हैं, तो कथन क्या हो गया, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य। अब कथन के बाद छात्रों में अधिगम अनुभव की प्राप्ति के लिए कौन सा व्यवहार परिवर्तन होगा, जो हमारा अंतिम व्यवहार होगा उसे क्या बताया, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य, यानी जो हमारा व्यवहारिक उद्देश्य। अब व्यवहारिक शब्दावली को हम किस में प्रयोग करेंगे, क्रियापदों के द्वारा व्यक्त करेंगे। अब क्रियापदों के द्वारा व्यक्त करेंगे तो लास्ट में इसका क्या होगा, निरीक्षण व मापन। निरीक्षण व मापन के द्वारा छात्र का क्या होगा, एक तरह से मूल्यांकन किया जाता है। अब मेगर ने इसको तीन भागों में विभाजित किया, वो देखते हैं कौन कौन से है। मेगर के अनुसार पहला है हमारा ज्ञानात्मक, दूसरा है भावात्मक, पहला है ज्ञानात्मक, दूसरा है भावात्मक और तीसरा है क्रियात्मक। तो ज्ञानात्मक में वही चीज हो गई, जो हम एक मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति के द्वारा क्या करें, अपने विचार विनिमय कर रहे हैं। भावात्मक में क्या हो गया, जो हम ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं उसका प्रकाशन भी कर रहे हैं, तो वो किसके द्वारा कर रहे हैं, अपने भावों के द्वारा अभिव्यक्त कर रहे हैं। क्रियात्मक में क्या हो गया, दोनों के द्वारा जो हम विचार विनिमय करके एक नए कौशल का विकास हो रहा है, वो हो गया हमारा क्रियात्मक विकास। वही भाषा है जिसने B.S. ब्लूम ने दी थी, उसी प्रकार मेगर ने भी इनको तीन भागों में बांटा गया है। तीन भागों के आधार पर इनके अलग अलग जो पार्ट हैं, वही जो ब्लूम ने दिए थे, ज्ञान, अवबोध, मूल्यांकन आदि, विश्लेषण आदि चीजों के बारे में ध्यान दिया है। अब देखते हैं हम NCF 2005 के आधार पर हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्यों का मूल्यांकन। अगला पॉइंट है हमारा NCF 2005 के अनुसार, NCF 2005 के अनुसार हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्यों का मूल्यांकन, हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्यों का मूल्यांकन।
अब एनसीएफ 2005 क्या कहता है हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्यों के मूल्यांकन में कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्यों के मूल्यांकन क्या होने चाहिए कि पहला है इसमें हमारा विचार विनिमय की कुशलता का विकास, विचार विनिमय की कुशलता का विकास। अब इसमें क्या बताएंगे कि भाषा का क्या होना चाहिए एक मानक रूप, एक क्या होना चाहिए शिक्षित व्यक्ति के पास, उसके पास ऐसी योग्यता होनी चाहिए कि दूसरे व्यक्ति को क्या कर सके, अपने विचारों को एक शिक्षा की भाषा में उसको सही तरीके से समझा सके। तो विचार विनिमय की कुशलता का विकास कैसे होगा, जब एक व्यक्ति किसी क्षेत्र विशेष में, जैसे एक व्यक्ति है वो शिक्षित है तो शिक्षित की भाषा कौन समझेगा, शिक्षित ही, तो उसी के लेवल के अपनी योग्यता के अनुसार क्या करेगा, अपने विचारों का संप्रेषण दूसरे व्यक्ति के साथ कर पाएगा। तो इसमें क्या है हमारे एक भाषा का मानक रूप है, उसको हमें सुनते भी और बोलना भी पड़ता है। और परिवार में भी क्या होता है, हम एक परिवार के द्वारा अपने जो फैमिली में जो मेंबर होते हैं उनके क्या करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उन्हीं से हम क्या करते हैं सीखते हैं, तो उसी का प्रभाव हम पर पड़ रहा है। अब हम अपने उनसे सुन के हम जो सीख रहे हैं उनका विकास हम कहाँ कर रहे हैं कि हम भी अपने बोली की अभिव्यक्ति को क्या करें, दूसरों के साथ विचार विनिमय कर रहे हैं। तो विचार विनिमय की कुशलता का विकास दूसरा है इसका मुख्य मूल्यांकन का, चहुमुखी व्यक्तित्व का विकास दूसरा है, चहुमुखी व्यक्तित्व का विकास। अगर व्यक्ति के पास विचार विनिमय का साधन होगा, उसकी भाषा मौखिक और लिखित रूप में सभी को समझ में आ रही है एक दूसरे के साथ, तो उसके अंदर व्यक्ति का क्या होगा, चहुमुखी, उसका सर्वांगीण विकास होगा। सर्वांगीण विकास उसे हर व्यक्ति के साथ हर जगह समाज विद्यालय वातावरण में क्या कर सकेगा, वह एक अच्छे नागरिक के रूप में अपना विकास कर सकेगा। अगला है हमारा नागरिकता के गुणों का विकास, हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्यों के मूल्यांकन में है नागरिकता का विकास, नागरिकता के गुणों का विकास। अब नागरिकता के गुणों में देखेंगे, अगर एक व्यक्ति अपने विचार विनिमय में एक नया कौशल प्राप्त कर रहा है तो उसका क्या होगा, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। अब सर्वांगीण विकास होगा तो उसे एक अच्छी नागरिकता मिलेगी, तो नागरिकता में क्या होगा, उसके जो गुण है उसके अंदर उनका भी क्या होगा, आगे विकास होगा। उसमें है नागरिक में जिन गुणों का होना आवश्यक है उनका सहज और स्वाभाविक विकास मातृभाषा के द्वारा ही संभव है। इसमें किसको दिया गया है, मातृभाषा, हमारा मुख्य माध्यम क्या बताया है, मातृभाषा। अगर मातृभाषा की भाषा हमें समझ में आएगी और उसी का प्रयोग हमें एक दूसरे के साथ करेंगे तो हमें क्या होगा, नागरिकता। तो उसका मुख्य मेन मीडियम क्या है नागरिकता के गुणों के विकास में, हिंदी मातृभाषा। तो कुशल नागरिक बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए, स्पष्ट चिंतन यानी भाषा का स्पष्टीकरण, स्वाभाविक विचारों की गंभीरता, स्पष्ट तर्क अभिव्यक्ति आदि के प्रति क्या करना चाहिए, हमारा मानसिक नैतिक और सामाजिक विकास किसके द्वारा होगा, जब हमें भाषा में हमारी स्पष्टता होगी। अगला है हमारा चौथा, भावी जीवन का विकास, भावी जीवन का विकास। भावी जीवन का विकास है जब नागरिकता में, जब भाषा शिक्षण में विचार विनिमय हो रहे हमारी मातृभाषा के माध्यम से, तो व्यक्ति का चहुमुखी व्यक्तित्व का विकास होगा, तो एक उसमें अच्छे नागरिक के गुण आएंगे। अच्छे नागरिक गुणों का विकास क्या होगा, जब उसका माध्यम क्या होगा, मातृभाषा, तो मातृभाषा होगा तो उसके अंदर क्या होगा, एक भावी जीवन यानी एक जीवन, एक अच्छे नागरिक अच्छे विद्यार्थी के गुण आएंगे, उसे समाज वातावरण पर्यावरण में एक दूसरे व्यक्ति के साथ मिलने का मौका मिलेगा या उसके साथ अपने विचार विनिमय कर पाएगा। अगला है हमारा सांस्कृतिक चेतना का विकास, सांस्कृतिक चेतना का विकास। और सांस्कृतिक चेतना जो हमारी परंपराएं हैं रीति रिवाज हैं, तो पढ़ाई के साथ साथ व्यक्ति या विद्यार्थी को क्या करना चाहिए, अनेक साहित्यिक कृतियां, अनेक विचार उपन्यास हमें जो साहित्य है विद्वानों की उनको पढ़ने चाहिए। उनके पढ़ने से क्या होगा, जो उनकी जीवनी से संबंधित जो भी उनके सुविचार है वो हम ग्रहण करेंगे। और अनेक सांस्कृतिक परंपरा जैसे सांस्कृतिक गतिविधियाँ विद्यालय में खेल कूद
जो अनेक प्रतियोगिता होती है, जैसे कोई जयंतियां आदि को क्या करना है, इनको हमें आगे भावी जीवन में विद्यार्थियों को प्रेरित करना चाहिए। उनसे हमें क्या मिलती है, एक प्रेरणा मिलती है। तो पांचवा हो गया हमारा सांस्कृतिक चेतना का विकास। छठवां देखते हैं हम सृजनात्मक प्रतिभा का विकास। अगला है हमारा सृजनात्मक प्रतिभा का विकास। सृजनात्मक प्रतिभा का विकास, तो सृजनात्मक क्या है कि बच्चे में अगर ये पांच कौशल, पांच मूल्यांकन विकसित हो रहे हैं, तो उसमें सृजनात्मकता, एक नई क्रियात्मकता आएगी। कि बच्चे के अंदर चार कौशल ये विकसित हो रहे हैं, तो एक नया कौशल उसके अंदर उत्पन्न होगा। नया कौशल उत्पन्न होगा तो उसके अंदर क्या आएगा, एक नया सृजनात्मक, एक नया कौशल। तो उसके द्वारा बच्चा क्या करेगा, अपने साहित्य को, अपने साहित्य के स्रोत को क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा। तो ये हो गए हमारे NCF 2005 के अनुसार हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्यों का मूल्यांकन।